प्यारे छात्रों नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रदीप आचार्य। आप सब ने मुझे दूरदर्शन और डिजी लैब की कक्षाओं में देखा होगा। मैं आपके लिए आपकी परीक्षा से संबंधित हिंदी का पेपर हल कराने जा रहा हूँ। प्रश्न शुरू करने से पहले आप लिखने की कला भी जान लें। जिस क्वेश्चन को जितने अंक में डिवाइड किया गया है उतने ही शब्दों में लिखना है। दो अंक का है तो 30 शब्द अर्थात 25 से 35 के बीच में ही लिखना है। ये सारा लिखा हुआ आप पढ़ लीजिएगा। साथ ही साथ 3 घंटे है तो टाइम मैनेज करके चलिए। हिंदी में टाइम कम मिलता है। इसके बाद इस चैनल पर आपके लिए सब्जेक्ट के जो स्पेशलिस्ट रहेंगे वो बीच बीच में आकर लाइव क्लास के माध्यम से परीक्षा संबंधी बातें, IMP प्रश्न एवं स्कूल में होने वाली स्टेट लेवल या नेशनल लेवल की प्रतियोगिताओं के बारे में अपडेट करते रहेंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न क्या है? सब्सक्राइब तो कर लिया ना। पहला प्रश्न, सखियां एवं सबद। यहाँ पर सखियां को साखी मान के चलें, एक ही बात है। सखियां एवं सबद के लेखक कौन है? तो राजेश जोशी नई भाषा के हैं। माखनलाल चतुर्वेदी की भाषा स्पष्ट है, हिंदी है, पर कबीर की भाषा ब्रज है, इसलिए सखियां और सबद ब्रज शब्द लग ही रहे हैं। इसका आंसर कबीर रहेगा, लस खान भी नहीं है। दूसरा क्वेश्चन है, सैयद इब्राहिम किस नाम से प्रसिद्ध हुए? सैयद इब्राहिम एक जो राइटर हैं उनका नाम लस खान भी था, वो लस खान के नाम से प्रसिद्ध हुए। ललित दा किया, सुमित्रानंद पंत या राजेश जोशी, इसका आंसर नहीं। तो इसका आंसर है का, लस खान। दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, कवियत्री नाव किससे खींच रही है? जो कवियत्री है अर्थात कविता को लिखने वाली जो स्त्री है वो नाव को किससे खींच रही है? कच्चे धागे की रस्सी से, जंजीर से, मोटी रस्सी से या रेशम की डोरी से? तो जो आया है कविता में वो है कच्चे धागे की डोर से या रस्सी से। तो इसका आंसर का रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीरा और मोती के मालिक का नाम था? ये मुंशी प्रेमचंद जी की जो आपके लिए कहानी है उसका क्वेश्चन है। तो झूरी काछी गया काछी, झूरी का भाई है कोई नहीं। तो इसका आंसर का है, झूरी काछी। गोपी क्या संभालने में समर्थ नहीं हो रही हैं? गोपी क्या संभालने में समर्थ नहीं? कृष्ण का कंबल, कृष्ण की लाठी, कृष्ण का मुख की मुस्कान। तो ये कविता है और कविता में इसी को संभालने में ये सफल नहीं हो रही है। तो इसका आंसर रहेगा गा, प्रगतिवाद की विशेषता है। प्रगतिवाद की विशेषता है ईश्वर के प्रति अनास्था, प्रकृति चरण, श्रृंगारिक वर्णन या देश प्रेम। प्रगतिवाद मतलब जो उन्नति की बात करते हैं, जो सुविधाओं की बात करते हैं, जो सबके साथ बराबरी की बात करते हैं, वो है प्रगतिवाद। तो प्रगतिवाद देश प्रेम की बात नहीं करता, श्रृंगारिक वर्णन की बात नहीं करता, क्योंकि स्त्री पुरुष को बराबर मानता है। इसमें प्रकृति चित्रण छायावाद जैसा सिस्टम नहीं है। ये ईश्वर की प्रति अनास्था रहती है, ईश्वर या भक्ति आदि में ये विश्वास नहीं करते, केवल काम और उन्नति के ऊपर इनका विश्वास होता है। जिप्ट टोली कौड़ी ना पाई से क्या आशा, ये एक मुहावरा है। और इसमें क्या है, सत्कर्मों का अभाव, रुपयों की कमी, धन की कमी, कौड़ियों का अभाव। मैं चाहता हूँ इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दें, देखते हैं कौन क्या बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपके लिए 7 नंबर के वो हो गए ऑब्जेक्टिव, 7 नंबर की सही गलत हैं, ये भी ऑब्जेक्टिव ही हैं, आपको सही और गलत दो में से एक चुनना है। पहला ही बात है, हिंदी साहित्य का सर्वाधिक लोकप्रिय महा, इसको लोकप्रिय पढ़ा जाए, लोकप्रिय महाकाव्य रामचरितमानस है। बिल्कुल सही है, ये सही कहा है। दोहा के प्रथम व तृतीय चरण में 13, 13 व द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11, 11 मात्राएं होती हैं, ये भी बिल्कुल सही है। दोहा के पहले चरण में और तीसरे में 13, 13 होती हैं और गुरु भी होता है इनमें। इसके बाद तो ये से भी सही हो गया। परमाल रासो आदिकालीन रचना, ये भी बिल्कुल सही है। जायसी मलिक मोहम्मद जायसी जो हैं वो सूफी काव्य परंपरा के कवि हैं, ये भी बिल्कुल सही है। सूरसागर भक्ति काल की रचना है, सूरसागर जो भक्ति काल की रचना है ये बिल्कुल सही है। चारुचंद्र की चंचल किरणें पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है, बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पर अनुप्रास अलंकार में एक वर्ण की आवृत्ति चा 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 की आवृत्ति बार 3 बार हुई है, इसमें है अनुप्रास अलंकार। श्रृंगार रस का स्थायी भाव उत्साह होता है, बिल्कुल नहीं, श्रृंगार रस का स्थायी भाव उत्साह नहीं है। उत्साह जो है वो है वीर रस का स्थायी भाव, इसलिए ये गलत हो गया। बाकी 6 सही हैं ऊपर के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, खाली स्थान भरना है आपके लिए। तो पहला ही खाली स्थान देखते हैं क्या है। हिंदी साहित्य में प्रेमचंद खालिस्तान विधा के सम्राट माने जाते हैं। मुंशी प्रेमचंद जी कहानी के या कविता के, तो उन्होंने कहानी और उपन्यास ही लिखे हैं, तो इनके लिए आंसर होगा कहानी विधा के। नेक्स्ट का विज्ञापन और प्रसार के सूक्ष्म तंत्र हमारी खाली स्थान बदल रहे हैं, धार्मिकता या मानसिकता। विज्ञापनों को देखने से आपका धर्म तो नहीं बदलता या धार्मिकता तो नहीं बदलती, पर मानसिकता जरूर बदलती, इसका आंसर होगा मानसिकता। अगला प्रश्न, हमारी नई संस्कृति खालिस्तान की संस्कृति है, अनुकरण की या बड़प्पन की।
बड़प्पन और अनुकरण दोनों ही लग रहे हैं, पर इसमें पाठ के अनुसार अनुकरण है, तो अनुकरण की संस्कृति है मेरी दृष्टि, और पुराणों का महापुरुषों का हम अनुकरण करते हैं इसलिए अनुकरण की संस्कृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरी दृष्टि इस जूते पर गई, खालिस्तान गई, भटक गई या अटक गई, तो यहाँ अटक गई अर्थात रुक गई। रविन्द्रनाथ टैगोर खालिस्तान में रुकते थे, शांति निकेतन में, सेवाग्राम में, तो शांति निकेतन में वो रुका करते थे। उपभोक्ता संस्कृति खालिस्तान को हिला रही है, खालिस्तान माने किसको हिला रही, कला संगीत को या सामाजिक नींव को, तो उपभोक्ता और संस्कृति सामाजिक नींव को हिला रही है, तो इसका आंसर हो जाएगा सामाजिक नींव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सही जोड़ी मिलाना है आपको, सही जोड़ी दोपहर, यहाँ पर दोपहर में समझ लें, मैंने आपको समास का भी एक वीडियो इसकी डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगा, तो वो समास आप देख लीजिएगा, वार्षिक परीक्षा और सभी परीक्षाओं में काम में आएगा। दोपहर में दो शब्द हैं, दो धन पहर, पहर एक टाइम का नाम है, तो जिसमें संख्या पहले आ जाए वो होता है द्विगु समास, तो दोपहर की जोड़ी बनेगी द्विगु समास से। टेढ़ी खीर, टेढ़ी खीर मतलब ये तो टेढ़ी खीर अभी हमसे ना हो पाए, कठिन काम, टेढ़ी खीर अर्थात कठिन काम। विद्यालय में दीर्घ संधि है, दिन का विलोम रात है, और सकर्मक व आकर्मक क्रिया होती है, और बसीयत अरबी भाषा का शब्द, ध्यान रखना है अरबी और फारसी में भी अंतर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं, एक शब्द में उत्तर देना है। उमा क्या लगाना पसंद करती है, नहीं करती है, ध्यान रखना है ये उमा जो वो लड़की को दिखाने आते हैं तो उस पार्ट का है, तो उमा पाउडर लगाना पसंद नहीं करती है, तो ये इसका आंसर पाउडर होगा। ठीक है, मेरे संग की औरतें किस विधा की रचना है, ये भी एक वर्णनात्मक पाठ है, मेरे संग की औरतें संस्मरण है एक, ठीक है, याद के आधार पर लिखा गया। मेरी संग की औरतों की लेखक कौन है, लेखिका है इनकी मृदुला गर्ग। बाबू गोपाल प्रसाद के बेटे का क्या नाम है, बाबू गोपाल प्रसाद के बेटे का नाम है शंकर। और माटी वाली इस कहानी में कहाँ के बांध की चर्चा की गई, तो टेहरी का बांध जो प्रसिद्ध, वहाँ के बांध की रचना की गई है। विवाह को बिजनेस गोपाल प्रसाद मानते हैं, तो इसका आंसर गोपाल प्रसाद होगा। इस प्रकार अभी मैं केवल आपको 5 प्रश्न ही बता रहा हूँ, आगे के प्रश्नों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, पुनः हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए आपको नमस्कार। और आगे के क्वेश्चंस भी यदि आप देखना चाहते हैं तो अपने इस कमेंट में करें कि मुझे ये क्वेश्चन देखना है, और आपको कोई सहायता चाहिए, या फिर आपको लाइव क्लास भी अटेंड करनी है, या फिर आपको कोई क्वेश्चन है जो नहीं बन रहा है और आपके स्कूल में उस विषय के पर्टिकुलर टीचर नहीं है, तो आप अपना मैसेज 888, मैं यहाँ पर नंबर लिख देता हूँ, 888 999 और 5226, 888 999 5226, इस नंबर पे आप हमें मैसेज कर दीजिएगा, तो आपकी जो भी सहायता है वो हम करते रहेंगे। सब्सक्राइब करें, नमस्कार।